नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का जो जॉब प्रोफाइल है, प्रमोशन के एस्पेक्ट है या आपका सैलरी इन हैंड अभी का रेट का, ठीक है, अभी का रेट का अगर हम लोग देखें जो जहाँ पे 5% दिए हैं तो उसमें आप लोग का कितना इन हैंड मिल जाएगा, कितना ग्रॉस है, तो सभी देख लेते हैं प्रमोशन स्कोप क्या है। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था तो उसीलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो चलो देख लेते, सभी का फायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले आप एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लो, जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको हम लोग मेट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है आप अच्छे से देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। इसका बेसिकली जो काम जो होता है दैट इज़ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, वेदर जो है फोरकास्ट करना, सिस्मोलॉजी कुछ है कि नहीं। हेडक्वार्टर दिल्ली है गाइस, अच्छा से समझ लो कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे थे सर जो पोस्टिंग कहाँ मिल सकता है, तो इसका देखो हेडक्वार्टर जो है दिल्ली है एंड 100 से भी ऊपर जो ऑब्जर्वेशन स्टेशन है अक्रॉस इंडिया एंड एंटार्क्टिका में भी, और इसका जो रीजनल ऑफिसेस है मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड पुणे। तो देखो आपका रैंक, आपका डिटर्मिनेशन होगा आप कहाँ पे मिलेगा। एक्चुअली जो मुझे लग रहा है वो लोग आपको एज पर रैंक जो है आपको एक स्टेट प्रेफरेंस भी दिया जाएगा जहाँ पे आपको पूछा जाएगा, अगर देगा तो ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा, अभी प्रेफरेंस दे तो आपको क्या होगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आप प्रेफरेंस दोगे, सपोज आपने दे दिया पहला मेरा कोलकाता है, उसके बाद मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली, आप ऐसे करके और भी जो भी है वहाँ पे दिया जाएगा। सपोज आपका रैंक अच्छा है तो आपको होम टाउन भी मिल सकता है, जैसे कोलकाते वाले जो हैं कोलकाता को मिल सकता है, जो मुंबई के हैं मुंबई में मिल सकता है, जो दिल्ली के अकॉर्डिंग टू देयर वैकेंसीज। गाइस ये तो पता नहीं है कहाँ पे कितना वैकेंसीज है जोन वाइज, तो वो मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो ये जो भी 6 रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है IMD जो है उसमें IMD एक है, वर्ल्ड के मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो 6 रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसमें IMD एक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो इनका काम है, फोरकास्टिंग, नेमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो भी है इंडियन रीजन में, मलाका स्ट्रेट्स में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ, तो इतना बड़ा इन लोग का ये है। अब आ जाते हैं देखो जॉब प्रोफाइल क्या है। तो अगर आप जॉब प्रोफाइल देखोगे सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो ड्यूटी होता है वो आपको सपोर्ट करना है साइंटिस्ट। देखो आपका डिजिग्नेशन क्या है, आपका डिजिग्नेशन है असिस्टेंट साइंटिफिक जो है, आप देख लो आपका जो दिस इज साइंटिफिक असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट साइंटिफिक हो आप। जैसे मेरा पोस्ट क्या है, मेरा पोस्ट है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, मेरा पोस्ट जो डिजिग्नेशन है दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, मतलब मेरा काम है जो ऑडिट ऑफिसर है जो मेरे टीम लीडर होंगे उसको मुझे असिस्ट करना होता है उनके काम में। तो सिमिलरली आप अगर ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट हो तो आपका मेन काम जो है वो आपको असिस्ट करना है आपके साइंटिस्ट को, उनके रिसर्च वर्क हुआ या एजुकेशन सब्जेक्ट कुछ भी मैटर हो या फोरकास्ट का कुछ भी है उनको असिस्ट आपको करना है, ठीक है। और आपको रिसर्च रिलेटेड काम, वेदर फोरकास्टिंग, फ्लड फोरकास्टिंग, प्लानिंग ये सब करना होगा। और इसके साथ जैसे कुछ कुछ पोस्ट जहाँ पे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे हम लोग के डिपार्टमेंट में भी देखो भाई कुछ कुछ जहाँ पे हो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी रहता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी पोस्टिंग मिलता है, तो आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रिसर्च प्रोजेक्ट को, कोऑर्डिनेशन में भी आपको रहना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका जो है इनिशियल उतना मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग जैसे हम लोग का भी रहता है, हम लोग का 6 महीना ट्रेनिंग था, तो आपको भी एक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा क्या काम नहीं है। आपको जो है अब पहले कुछ दिनों तक आपको जो एक असिस्ट करना पड़ेगा जब तक आप प्रमोशन नहीं होता है। अब प्रमोशन कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं, कितना दिन लाइक ये देखो ये प्रमोशन जो मैंने दिया है दिस इज इंडिकेटिव, ये नहीं है, इसमें डिपेंड करता है। जैसे मैंने हम लोग के डिपार्टमेंट में बताओगे तो हम लोग के डिपार्टमेंट में लग जाता है अभी भी 10 to 12 years, आपका मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से ऑडिट ऑफिसर बनने में अभी भी 10 से 12 साल लग जाते हैं, डिपेंड ऑन द वैकेंसीज। तो ये जो आपका रैंकिंग क्या होगा SSC में उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका जो है प्रमोशन कैसे होता। अब हम लोग देख लेते हैं सैलरी, तो सैलरी देखो 7th पे कमीशन अभी लागू हो चुका है। 7th पे कमीशन में आपका जो एंट्री लेवल बेसिक लेवल है दैट इज़ लेवल 6, आपका जो वहाँ पे बेसिक सैलरी होगा दैट इज़ 35,400, आप पे मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे भी नेट से चेक कर सकते हो।
आपका डीए जो है दैट इज ट्रैवल अलाउंस जो है 1600 प्लस डीए ए वन ए सिटीज़ एंड 800 है प्लस डीए फॉर अदर सिटीज़। अगर हम लोग एचआरए बात करें तो एक सिटीज़ के लिए जहाँ पे 50 लाख एंड अबव, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, यहाँ पे जो भी 24% है, उसके नीचे 16%, उसके नीचे 8%, अभी जो डीए चल रहा है वो 5%, और अभी आपका डीए जो अनाउंस हो गया जनवरी से अभी लागू नहीं हुआ वो 2%, मतलब आपका डीए एट प्रेजेंट जो है दैट इज 7%। लेकिन हम लोग को अभी सैलरी जो मिल रहा है 5% में मिला है, इसलिए मैंने 5% में कैलकुलेट करके दिया हूँ। आप इसको अपने से कैलकुलेट करके और 2% डीए बढ़ा सकते हो। अगर हम लोग ग्रॉस सैलरी की बात करें तो एक सिटीज़ में अभी 5% को लेके 49,446, वाई सिटीज़ के लिए 44724 एंड जेड सिटीज़ के लिए 41892, बहुत अच्छा वैकेंसीज है। इसमें आपको जो डिडक्शन होने वाला है 10% डिडक्शन होगा न्यू पेंशन स्कीम के लिए, दैट इज़ ग्रॉस से नहीं, आपका जो बेसिक एंड डीए, बेसिक जो होगा तो बेसिक मतलब आपको 35,400, इसके ऊपर आप 5% डीए लगा लीजिए, उसका 10%, मतलब आपका रफली यहाँ पे सपोज 49,000 कुछ है किसी का, तो आपका रफली जो यहाँ से क्या माइनस होगा वो 2,000 या 2,500 आपका रफली 35 नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, वो आप अराउंड 3,800 मान लो डिडक्शन होगा, ठीक है, इससे अराउंड 3,800 आप मान के 4,000 ही मान के चलो, अराउंड 45,000 जो है आपका नेट पे, और इसके बाद आपका इनकम टैक्स आपका स्लैब में आ जाओगे तो आपका इनकम टैक्स भी 10% डिडक्शन होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन देखो अच्छा खासा है, आपको 3 साल के बाद जो है 3 से 7 साल लग जाता है, अभी डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी इससे ज़्यादा भी लग सकता है गाइस, तो दिस आर द मिनिमम रेंज जो आप हायर स्केल में जा सकते हो, आप साइंटिस्ट का प्रमोशन हो सकता है, कहीं कहीं अभी डिले भी हो जाता है, जैसे कहीं कहीं हम लोग के डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं कहीं कुछ कुछ जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से ऑडिट ऑफिसर बनने में उन लोगों को 17-18 साल लग जाता है, जहां नॉर्मल जो है 10-12 साल में हो जाता है, तो डिपेंड ऑन द वैकेंसी ये डिपेंड करता है, लेकिन प्रमोशन स्कोप है, आप जा सकते हो, उतना अच्छा नहीं है मतलब उतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा ही प्रमोशन स्कोप है, तो चलो बहुत अच्छा जॉब है, तो जिनको हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको लिए, और बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत सारे मुझे पूरे सर सीजीएल अच्छा है, ये है देखो इसका जो ग्रेड पे दैट इज़ 4,200 ग्रेड पे है, अगर आपको सीजीएल जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज हो गया, यहाँ पे 4,600 ग्रेड पे है, या मेरा पोस्ट में भी आप सकते थे जो WO का पोस्ट है उसमें 4,800 ग्रेड पे इनिशियल पहले लेवल का था, मतलब आप लेवल 6 में जा रहे हो, लेवल 7 या लेवल 8 में, लेवल 7 जो है इंस्पेक्टर लेवल का है और लेवल 8 जो है दैट इज़ WO का है, तो आप एग्ज़ाम देके आ सकते हो CGL में, ऐसा कुछ नहीं है, CGL दो, इसके बाद मुझे नहीं लगता आप CHSL देने की कोई ज़रूरत है, आप डायरेक्टली जो टारगेट करो अगर देना है तो CGL देना, ठीक है। तो चलो गाइज़ अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नया वीडियो से, टिल देन गुड बाय।